दोस्तों, कॉन्वेंट स्कूलों ने भारत की संस्कृति को बर्बाद ही कर दिया है। सन 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया गया। इसकी ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकॉले ने की थी, लेकिन ये कानून बनाने से पहले उसने भारत के शिक्षा व्यवस्था का सर्वे करवाया था। अंग्रेजों का एक अधिकारी था G.W. लिटनर और दूसरा था थॉमस मुनरो। ये दोनों ने अलग अलग इलाकों का अलग अलग समय में सर्वेक्षण किया, यानी कि सर्वे किया, और 1823 के आसपास की बात है। ये लिटनर जिसने उत्तर भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा कि यहाँ 97% साक्षरता है, मतलब कि भारत में उस समय 97% जो है कि साक्षरता थी। और मुनरो जिसने दक्षिण भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा कि यहाँ तो 100% साक्षरता है। उस समय जब भारत में इतनी साक्षरता है, और मैकाले का स्पष्ट कहना था कि भारत को हमेशा हमेशा के लिए अगर गुलाम बना के रखना है तो इसकी देसी और संस्कृति की जो शिक्षा व्यवस्था है इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर देना चाहिए और उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी, तभी इन देशों में जो भी पैदा होगा वह शरीर से तो हिंदुस्तानी होगा लेकिन दिमाग से अंग्रेज पैदा होगा। और जब ये लोग इस देश की यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो हमारे हित में काम करेंगे। दोस्तों, मैकाले हमेशा एक मुहावरा इस्तेमाल करता था कि जैसे किसी खेत में कोई फसल लगाने से पहले उसकी पूरी जोताई कर दी जाती है, उसे पूरा जोत दिया जाता है, उसी तरह से भारत को जोतना होगा और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। इसलिए उसने सबसे पहले गुरुकुलों को गैर कानूनी घोषित किया। जब गुरुकुल गैर कानूनी हो गए तो उनको मिलने वाली सहायता जो समाज की तरफ से मिलती थी वो भी गैर कानूनी हो गई। फिर भारत की संस्कृति को उसने गैर कानूनी घोषित कर दिया। इस देश के गुरुकुलों को घूम घूम करके ख़त्म कर दिया गया। दोस्तों, 1850 तक इस देश में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे और उस समय इस देश में 7,50,000 गांव हुआ करते थे, मतलब हर गांव में औसतन एक गुरुकुल तो जरूर ही होता होगा। और ये जो गुरुकुल हुआ करते थे सब आज की भाषा में हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। उन सब में 18 विषय पढ़ाया जाता था और ये गुरुकुल समाज के सभी लोग मिल करके चलाया करते थे। इसमें राजा महाराजा का कोई आपत्ति इसमें इनको उससे नहीं हुआ करता था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इन गुरुकुलों में जो शिक्षा हुआ करती थी वो निःशुल्क हुआ करती थी। इस तरह सारे गुरुकुलों को ख़त्म कर दिया गया और फिर अंग्रेजी शिक्षा को कानूनी तौर पर घोषित कर दिया गया। सबसे पहले कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया था। उस समय इसे फ्री स्कूल कहा जाता था। दोस्तों, इसका नाम उन्होंने फ्री स्कूल रखा। इसी कानून के तहत भारत में कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनाई गई, बम्बई में बम्बई यूनिवर्सिटी बनाई गई, मद्रास में मद्रास यूनिवर्सिटी बनाई गई, और ये तीनों गुलामी के ज़माने के यूनिवर्सिटी आज भी इस देश में मौजूद हैं। और मैकाले ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चिट्ठी थी। उसमें उसने लिखा था कि इन कॉन्वेंट स्कूलों से जो बच्चे निकलेंगे, जो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन दिमागी रूप से ये अंग्रेज होंगे, और उन्हें अपने देश के बारे में न कुछ पता होगा, न अपनी संस्कृति के बारे में उन्हें कुछ पता होगा, और न ही इनके अपने परंपराओं के बारे में कुछ पता होगा। इनको अपने मुहावरे भी नहीं मालूम होंगे। जब ऐसे बच्चे होंगे इस देश में तो अंग्रेज भले ही यहाँ से चले जाएं, इस देश में अंग्रेजियत नहीं जाएगी। उस समय लिखी चिट्ठी की सच्चाई जो है आज साफ साफ 21वीं सदी में दिखाई दे रही है। उस एजुकेशनल कानून की महिमा तो देखिए कि हमें अपनी भाषा बोलने में भी आज शर्म आती है। हमें लगता है कि अंग्रेजी में बोलने से दूसरों पर बड़ा रोब जमेगा, लोग मुझे अच्छा सभ्य समझेंगे। अरे, हम तो खुद ही हीन हो गए हैं जिसे अपनी भाषा बोलने में भी शर्म आती है, दूसरों पर क्या रोब पड़ेगा। दोस्तों, लोगों का तर्क है कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। दुनिया में 204 देश हैं और अंग्रेजी सिर्फ 11 देशों में बोली जाती है और पढ़ी जाती है और समझी जाती है। फिर ये कैसे हुआ कि अंग्रेजी जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा है? शब्दों के मामले में भी अंग्रेजी समृद्ध नहीं है। इन अंग्रेजों की जो बाइबिल है वो भी अंग्रेजी में नहीं थी। ईसा मसीह जो थे वो अंग्रेजी नहीं बोलते थे। ईसा मसीह की जो भाषा थी और बाइबिल की जो भाषा थी वो अरमेक थी। अरमेक भाषा की जो लिपि थी, जो अरमेक भाषा की जो लिपि है वो हमारे बंगला भाषा से मिलती जुलती थी। संयुक्त राष्ट्र संघ जो अमेरिका में ही है, वहाँ की भाषा अंग्रेजी नहीं है। वहाँ का सारा काम फ्रेंच में होता है। जो समाज अपनी मातृभाषा से कट जाता है उसका कभी भी भला नहीं हो सकता, और यही मैकाले की रणनीति थी जिसके परिणाम आज हम 20वीं सदी में देख रहे हैं।
दोस्तों यही कारण है कि कुछ को छोड़कर जितने भी अंग्रेजी कल्चर से ज्ञान प्राप्त करने वाले हमारे बच्चे हैं उनमें न तो संस्कार आपको देखने को मिलेगा, न ही उनके अंदर कोई परंपरा होगी, न ही कोई संबंध हमारे मुआसरे से संबंधित कोई उनकी जानकारी होगी, कुछ भी उनके पास नहीं होगा। दोस्तों ये वीडियो था हमारा शिक्षक दिवस के ऊपर कि किस तरह से शिक्षा में बदलाव हुआ, जिस तरह से पहले हमारी शिक्षा हुआ करती थी स्वामी विवेकानंद के ज़माने में, उस समय की शिक्षा और आज की शिक्षा में ज़मीन आसमान का अंतर है। शिक्षक दिवस के मौके पर ये बनाया गया वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।